मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर के नगर निगम के सदन भवन कार्यालय भवन के साथ 525 करोड़ की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसमें 360 करोड़ 40 लाख की 152 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 164 करोड़ 21 लाख की 110 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। सीएम योगी ने नगर निगम सदन भवन कार्यालय भवन के लोकार्पण के साथ ही नगर निगम सदन भवन कार्यालय भवन के सामने स्थापित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने शास्त्री चौक पर जनपद में संचालन के लिए 15 इलेक्ट्रिक बसों को भी रवाना किया। इसके साथ इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए की जा रही व्यवस्थाओं को देखा और मंच से दो मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र, दिव्यांग बच्चों को क्रिकेट किट, मेधावी छात्राओं को लैपटॉप, प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र आदि भी वितरित किया तथा मुस्कुराए आप गोरखपुर में हैं किताब का विमोचन भी किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे भव्यतम सदन गोरखपुर नगर निगम का बन गया है, जो गोरखपुर के पार्षदों और गोरखपुर की जनता एवं सभी की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के सभी पार्षदगण इस भवन के साथ जुड़कर गोरखपुर के विकास की ठोस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तथा इस विश्वास के साथ आज ढेर सारी योजनाएं गोरखपुर को प्राप्त हो रही हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जो हर चौराहों पर ट्रैफिक सिस्टम को जोड़ने के साथ साथ गोरखपुर की सुरक्षा से जुड़ी हुई कार्य योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है। पिछले 5 सालों में बदलते गोरखपुर को सभी लोगों ने देखा है, यह नया गोरखपुर है। विगत कुछ दिनों पूर्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स एवं फर्टिलाइजर का लोकार्पण किया था और जल्द ही गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन भी आएगी और रामगढ़ ताल में सी प्लेन भी उतरने वाला है। हमारा संकल्प नए उमंग से गोरखपुर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर नगर निगम के इतिहास एवं विकास पर आधारित विस्तृत ग्रंथ बनवाएं और इसे यहां की लाइब्रेरी का हिस्सा बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी हाल में युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया गया था, साथ ही गोरखपुर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आरम्भ हो जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बनने से गोरखपुर जल क्रीड़ा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय केंद्र बनेगा। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि इन योजनाओं की सफलता सभी के सामूहिक प्रयास की देन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गोरखपुर को जिन परियोजनाओं की सौगात मिली है, उसमें प्रमुख रूप से गोरखपुर में पेयजल की स्कीम, जिसमें गोरखपुर के शिवपुर, सहबाजगंज, जंगल तुलसीराम, पश्चिमी दाऊदपुर, गोपलापुर, पुराना गोरखपुर, इंजीनियरिंग कॉलेज और उसके आसपास की 1 लाख से अधिक आबादी को शुद्ध पाइप पेयजल की स्कीम के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर को एक नई सौगात मिली है। 25 इलेक्ट्रिक बसें गोरखपुर को मिली हैं, जिसमें 15 बसों का संचालन गोरखपुर में प्रारंभ हो चुका है, जो प्रदूषण मुक्त हैं, जिससे यहां के नागरिक यात्रा कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने विकास से जुड़ी इन सभी संस्थाओं को हृदय से बधाई दी। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल ने मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर सांसद रवि किशन, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, संत प्रसाद, श्रीमती संगीता यादव, शीतल पांडे, डॉक्टर विमलेश पासवान सहित नगर के उप सभापति, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण आदि एवं जनता उपस्थित रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, परम विधानम के पदलक्षा में
माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। विधायकगण, माननीय लोकसभा सांसद महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अतिथि देवो भव की परिकल्पना के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में शत नमनीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमियों से और दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन है। माननीय महापौर महोदय से सादर अनुरोध है कि आप मंच पर आ जाए। माननीय महापौर महोदय कि आप नए मेधावी हैं, उनमें से दो छात्राओं को मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से दो छात्राएं मेधावी छात्राएं सेजल सिंह प्रगत मणि, तत्पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना के दो लाभार्थी फूलमती जी भगवानपुर से एवं दिनेश कुमार जी पुराना गोमती आवास योजना से फूलमती जी एवं दिनेश कुमार जी, स्ट्रीट वेंडर संजू जी एवं अलगू जी स्ट्रीट वेंडर रोजगार के लिए प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री आवास संजू जी एवं आज नगर निगम के इस प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से वितरण। जनपद गोरखपुर के सफाई कर्मी जिन्हें पीएमओ ऑफिस की तरफ से प्रशस्ति दिया गया था उन्हें प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्रदान किया जाना है। मंच पर सभी को मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से श्री राजेश जी एवं श्रीमती रीना जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्रशस्ति पत्र को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास, कुल 262 परियोजनाओं का 524.61 करोड़ रुपए की। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय युवा महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, फिल्मी दुनिया में जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया है, ऐसे लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी और रवि किशन जी के प्रतिद्वंदी कालीबाड़ी के बाबा जी, हमारे विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, संत प्रसाद जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, एक साथ यहां पर 524 करोड़ 61 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास गोरखपुर वासियों के लिए हो रहा है। साथ ही साथ नगर निगम के नए भवन का भी एक औपचारिक शुभारंभ हो रहा है और यहाँ पर चार बार सांसद और पांच बार विधायक के रूप में जिन्होंने अपनी सेवा दी पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति के अनावरण का भी कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर नगर निगम गोरखपुर को हृदय से बधाई देता हूँ। इन 524 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए गोरखपुर वासियों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि मौसम इतना खराब है और इतनी खराब मौसम में भी ये सीताराम जी का ही करामात है कि आप लोग यहां बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं स्वयं सोच रहा था, मैं सुबह लखनऊ में एक कार्यक्रम किया, लखनऊ के कार्यक्रम के बाद फिर फरुखाबाद गया, फरुखाबाद से अमरोहा गया, अमरोहा पति से फिर मैं मुरादाबाद गया, मुरादाबाद से फिर गोरखपुर आया हूँ और गोरखपुर कार्यक्रम आने के बाद जब मैंने यहाँ मौसम देखा तो मैं एक बार तो मैंने एयरपोर्ट से फोन किया
मैंने अपने महानगर अध्यक्ष जी और जिलाध्यक्ष जी को मैंने कहा, मैंने कहा कार्यक्रम हो भी रहा है कि इस मौसम में, क्योंकि बारिश चल रही थी, बूंदाबांदी गर्मियों का मौसम होता तो हो सकता है कि रवि किशन जी और सीताराम जायसवाल जी फिल्म बना रहे होते इस मौसम में, लेकिन सर्दी का मौसम है। आज दिसंबर 29 दिसंबर है और 29 दिसंबर को जैसे मैंने वरुण देवता का नाम लिया वो और कृपा करने लग गया। भाइयों बहनों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है और आपने पिछले 5 वर्ष के अंदर बदलते हुए गोरखपुर को देखा है। यह विकास हर एक के जीवन में परिवर्तन का कारक बनेगा और नगर निगम का तो यह सौभाग्य है और इस कार्यकारिणी के लिए खास तौर पर कि 127 वर्ष के बाद उन्हें भव्य भवन मिलने जा रहा है। भव्य वहां पर सभागार, उनका सभागार होगा, बैठने की व्यवस्था होगी, पार्षदों के लिए अलग से उनकी लाइब्रेरी होगी और मैं चाहूंगा कि गोरखपुर के इतिहास को लेकर के व्यापक शोध पर आधारित ग्रंथ गोरखपुर नगर निगम की लाइब्रेरी का हिस्सा बनना चाहिए, जिससे जो भी आए उसे गोरखपुर के बारे में जानने, जो सुनने और देखने का अवसर प्राप्त हो सके। ये नया गोरखपुर है, पिछले महीने ही प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर को फर्टिलाइजर और गोरखपुर को एम्स की सौगात दी है। भाइयों बहनों, एम्स और फर्टिलाइजर के बाद अब गोरखपुर में मेट्रो भी आने वाली है। कुछ ही दिनों के बाद गोरखपुर को हम लोग रामगढ़ ताल, जिसको आप अब तक तालाब मान रहे हैं ना, इसको हम एयरपोर्ट के रूप में भी उपयोग करने जा रहे हैं। सी प्लेन आएगा, सीधे रामगढ़ ताल में ही उतरेगा और रामगढ़ ताल में उतर करके वहां पे न एयरपोर्ट की समस्या रहेगी, न उसमें एयर स्ट्रिप की आवश्यकता पड़ेगी। दिल्ली से, लखनऊ से सी प्लेन चले या यहां से वाराणसी के लिए गए, गंगा जी में उतरे, गंगा जी में उतर करके फिर साइड में फ्लोटिंग जेटी से के माध्यम से लोग वहां अपना काम करके फिर दूसरे विमान से गोरखपुर रामगढ़ ताल में फिर उतर गए। अब एक नए उमंग के साथ विकास नई ऊंचाइयों की ओर छू रहा है। चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था और हर एक दिशा में हर एक स्तर पर काम करने का प्रयास, हजारों लोगों को गोरखपुर नगर के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया, जनपद के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में भी दिया गया। ये सभी जब सामूहिक प्रयास का प्रतिफल होता है, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, शासन मिलकर के एक साथ जब प्रयास करता है, यह परिणाम सामने आता है और इस परिणाम के फलस्वरूप आज यही कारण है कि आज तो हम लोगों ने नगर निगम की इतनी योजनाओं का दिया है। अभी कल नौजवानों को हम स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरण करेंगे और गोरखपुर के नौजवानों को एक नया चीज देने जा रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स का एक नया केंद्र गोरखपुर में, विश्व स्तरीय केंद्र बनेगा गोरखपुर, जहां से गोरखपुर के नौजवानों को अपनी प्रतिभा को देश और दुनिया के सामने दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। आज मौसम बहुत ज्यादा खराब है, ये विकास की विभिन्न योजनाओं का विवरण मीडिया को नगर निगम के लोग दे देंगे और मीडिया इसको छाप देगी तो गोरखपुर के हमारे सभी दर्शकगण, कार्यकर्तागण, जनता जनार्दन इन सबको देख लेगी, उसको महसूस करती ही है, उसको जानने का, उस पर परस्पर उस संवाद को आगे बढ़ाने का एक अवसर उसे प्राप्त होगा। मैं नगर निगम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि पूज्य महाराज जी की प्रतिमा को उन्होंने यहाँ पर जगह दी, यहाँ लगाया और भव्य प्रतिमा बनकर के आज यहाँ पर स्थापित हुई है। इस प्रतिमा के साथ ही नगर निगम का नया सदन भी यहाँ के पार्षदों को और गोरखपुर के महानगर वासियों की समस्या के समाधान करने के लिए प्राप्त हो रहा है। ये अपने आप में भव्य है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे भव्यतम सदन गोरखपुर नगर निगम का बनने जा रहा है, जो गोरखपुर के पार्षदों और गोरखपुर की जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। उसमें यहाँ के सफाई कर्मी भी हैं, यहाँ के कर्मचारी भी हैं, यहाँ के अधिकारी भी हैं, यहाँ की पूरी कार्यकारिणी भी है और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि हैं। इन सबके सामूहिक प्रयास का प्रतिफल सीताराम जी के नेतृत्व में किस रूप में सामने आया है। 127 वर्ष के बाद जब सीताराम जी के चौथी पांचवी पीढ़ी फिर अगले नए सदन के बारे में जब कभी चर्चा करेंगे तो उस समय वो बोलेंगे कि सीताराम जी हमारे, कोई बोलेगा मेरे 5 पीढ़ी पहले सीताराम जायसवाल जी जब महापौर थे तब यह सदन बना था। यानी एक स्मरणीय क्षण है
और स्मरणीय क्षण को गोरखपुर के सभी पार्षदगण इस भवन के साथ जुड़ करके गोरखपुर के विकास की ठोस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आज ढेर सारी योजनाएं आपको यहां पर प्राप्त हो रही हैं और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, हर चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को जोड़ने के साथ साथ गोरखपुर की सुरक्षा से जुड़ी भी ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। गोरखपुर में पेयजल की स्कीम, जिसमें गोरखपुर के हमारे शिवपुर सहबाजगंज जंगल तुलसीराम पश्चिमी दाऊदपुर गोपलापुर पुराना गोरखपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और उसके आसपास की 1,00,000 से अधिक आबादी को शुद्ध पाइप पेयजल की स्कीम के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत भी 40 कार्य नगर के अंदर बने हैं। सड़क और नाली के 61 अन्य कार्यों को इसके साथ जोड़ा गया है। इसके साथ ही गोरखपुर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अधियारी पार्क में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण का है, 2 नालों के निर्माण का है। इसके साथ ही गोरखपुर में कुछ क्षेत्रों में नए सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज योजना को आगे बढ़ाने का है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मल्टी लेवल स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था है। रामगढ़ ताल के सुंदरीकरण की फेज 2 योजना नया सवेरा के पास आगे बढ़ाने का है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का भी है और विभिन्न वार्डों के 123 कार्य विभिन्न वार्डों के विकास से संबंधित इन कार्यों का भी है। और साथ साथ आज गोरखपुर को एक नई सौगात मिली है, इलेक्ट्रिक बसेज आज गोरखपुर के अंदर प्रारंभ हो चुकी है। कल से आप इलेक्ट्रिक बसेज से गोरखपुर की यात्रा कर पाएंगे। सचमुच जो उन्होंने कहा अभी सीताराम जी ने कि मुस्कुराए आप गोरखपुर में है, तो कल से जब आप स्मार्ट इस गोरखपुर सिटी के अंदर, और मैं देख रहा था कि गोरखपुर की एक बेटी पहली बस उसने चलाया है, क्या नाम उस बेटी का? पूजा प्रजापति। पहली इलेक्ट्रिक बस गोरखपुर नगर निगम जिसको संचालित करने जा रही है वह गोरखपुर की बेटी है और इलेक्ट्रिक बस को संचालित यानी चलाने का काम उसने किया है। तो कल से गोरखपुर वासी ही इलेक्ट्रिक बसे से चल पाएंगे। उस इलेक्ट्रिक बस में पेट्रोल की आवश्यकता नहीं, डीजल की आवश्यकता नहीं, इंजन भी नहीं, सूर्य की रोशनी से या फिर बैटरी से उसको चार्ज किया जाता है। इलेक्ट्रिक से उसको चार्ज कर लेंगे और इलेक्ट्रिक से उसको चार्ज बिजली से उसको चार्ज करने के बाद वह गोरखपुर की सड़कों पर जब चलेगी कोई धुआं नहीं, कोई प्रदूषण नहीं और गोरखपुर वासियों को गोरखपुर के अंदर इसका आनंद लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। और इस कार्य के लिए गोरखपुर में आज इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें 25 इलेक्ट्रिक बसेज हम लोगों ने गोरखपुर को उपलब्ध कराई है, जिनमें 15 का संचालन कल से गोरखपुर के अंदर आज उसको यहाँ उद्घाटन कर दिया गया है, कल से उसका प्रारंभ होगा। मैं इसके लिए गोरखपुर नगर निगम को, गोरखपुर नगर निगम कार्यकारिणी से जुड़े हुए सभी पार्षदगणों को हृदय से बधाई देता हूं और गोरखपुर वासियों को भी सुविधाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस सुहानी शाम में आप सब गोरखपुर के इन विकास कार्यों का आनंद लेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से इन योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर नगर निगम और विकास से जुड़ी हुई इन सभी संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। नगर निगम से लोकार्पण। आज ये गोरखपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जो सैकड़ों वर्ष पुराना नगर निगम सदन था, आज इसको एक नया अपना भवन मिला है और आज इसके लिए, इस भवन के लिए, निर्माण के लिए एवं आज विकास कार्यों का जो लोकार्पण शिलान्यास हो रहा, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की ये देन है, उनकी कृपा से ये सब संभव हो पाया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई।